तो वीरेंद्र, दोपहर का खाना कैसा रहा? बोलो। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। आज मैं जा रहा हूँ एक नया जगह पे जो के ओडिशा में है। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मंगला जोड़ी, जो के कलकत्ता से 508 किलोमीटर पड़ता है। तो करीब करीब 10 घंटे का जर्नी है, लेकिन हम लोगों को लगा था बहुत ही कम, क्योंकि रास्ते में बस दो बार रुके थे चाय पीने के लिए। हम लोग स्टार्ट किए थे 2:30 पे दोपहर को, और रात को जाके पहुंचे 11 बजे। रात को करीब 11:30 बजे हम लोग को होटल शांति मिल गया, जिसका रूम चार्ज लगा था 500 रुपीज पर डे। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेडी हो गए स्पॉट के लिए। रूम बस ठीक ठाक ही है, उतना खास कुछ नहीं है, क्योंकि रात को बहुत मतलब देर भी हो गया था, ज्यादा कुछ ढूंढ भी नहीं पाए, और पहले से बुकिंग करके तो हम लोग आए नहीं। तो सुबह 5 बजे उठा, फिर रेडी होके अभी 6 बजे आए तो जा रहे स्पॉट पे। तो चलिए चलते हैं वहां पे। बस 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच गए मंगला जोड़ी बर्ड सेंचुरी। ये सामने जो दिख रहा है ना आपको गेट के जैसा, वहाँ पे टिकट काउंटर, मतलब बस टेबल लेके बैठे हैं वहाँ का लोग जो बोट का चार्ज लेते। तो हम लोग जो बोट लिए, 2 घंटे के लिए चार्ज पड़ा था 1500। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको ये मंगला जोड़ी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये मंगला जोड़ी जो है एक बहुत बड़ा सा एक वेटलैंड है, जिसके बीचों बीचों से ये वाटर बॉडीज है जहाँ से हम लोगों का बोट जा रहा था। और ये ज़्यादा डेप्थ भी नहीं था दोस्तों, किसी जगह में ये इसका डेप्थ 4 फीट, किसी जगह में 2 फीट, ऐसा ही कुछ था। तो ये वाटर बॉडी से चलते हुए हम लोग को काफ़ी सारे बर्ड्स दिखाई दिया। मैं अपना कैमरा भी निकाल लिया था और शुरू हो गया था मेरा फोटोग्राफी। Thank you.
इतना अच्छा लग रहा है चारों तरफ, वो सारे बर्ड्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स। जो लोग मंगलाजोरी कभी नहीं आए, मैं तो उन लोगों को बोलूँगा कि आप लोग एक बार यहाँ आके घूम के जाइए। कितने सारे बर्ड्स सबको मिलेंगे ये मैं बता नहीं सकता। तो मैं फोटो लेते जा रहा हूँ, और भी आगे तक रहेंगे, फिर शाम को भी आएंगे। सुबह का एक स्लॉट लिया है जो हूँ आपका 7 बजे से लेके 10 बजे तक। उसके बाद फिर होटल में जाके स्नैक होके फिर दोपहर को 2 बजे तक आ जाएंगे, फिर 2 बजे से शाम तक बोटिंग होगा। चलिए देखते रहिए। सुबह का ट्रिप तो हो गया है, अभी फिर होटल जाएंगे। उसके पहले थोड़ा देखते हैं इधर क्या मच्छी उच्छी मिलता है। फ्रेश फिश यहाँ पे मिलेगा आपको, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिश फ्राई बोलिए या फिर उसका करी बोलिए, जो भी है। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। ये चिंगड़ी प्रॉन है, हाँ। अच्छा वाला। तीन टाइप का मच्छी लिया है। फोली बोल के एक मच्छी है, वो दो लिया है। खैरा बोल के एक मच्छी है, वो भी दो लिया है। और एक मच्छी है, उसका नाम मुझे नहीं पता है। एक ही मच्छी लिया है, बड़ा वाला। उसको फ्राई करेंगे, अभी खाएंगे। सामने एक तो छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है जहाँ पे ये बना के देगा। दोपहर का खाना चल रहा है। ये देखिए जो मच्छी लाया था, यहाँ का ही मच्छी है। मच्छी, राइस, दाल, मच्छी फ्राई भी है, ये सब मिला है। वीरेंद्र भी खाना खा रहा है। तो खाना खा के बोट पे चलते हैं, देखते हैं अभी के लिए क्या मिलता है। वीरेंद्र, फ्रेश मच्छी का टेस्ट ही अलग है, हाँ, क्या बोलो? हाँ, एकदम मच्छी का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो वीरेंद्र, हाँ, दोपहर का खाना कैसा रहा बोलो? एकदम अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाना भी अच्छा मिला। अरे देखो, फिश फ्रेश था ना पूरा, एकदम पूरा फ्रेश था, इसीलिए उसका टेस्ट भी इतना अच्छा लगा। हम लोग तो सब खाते हैं 2-3 दिन का फिश। यहाँ से टटका मिला, एकदम ताजा मिला। हाँ सही बात है, ताजा बना के ताजा भी खाया। हाँ बहुत टेस्ट था। सुबह जो बोट लिया था उसका ऊपर में छाव था, तो मैंने बोला कि भैया हम लोग का गाइड जो है सुकांत भाई, वो मेरे पीछे है सुकांत जी, तो मैंने तो मैंने उनको पूछा कि वो वाला बोट कौन सा अच्छा है, या जो जिसमें कोई छाव नहीं होता है वो अच्छा है। तो बोला जिसमें कोई छाव नहीं होता है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है सुकांत जी? ये क्योंकि आप चारों तरफ ऊपर नीचे पूरा सब देखने के लिए मिलता है। हाँ, साउंड वाला बोट में कोई फ्लाइंग करके जाएगा तो हमारा ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। घुमाएगा तो चारों तरफ डंडा आ जाता है। सही बात है, सही बात है। बोट पूरा वीडियो के लिए सक्सेसफुल अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग इस बार मतलब शाम के टाइम में अभी जो लिया बोट, ये ओपन बोट लिया। तो अभी आगे देखते हैं क्या कुछ एक्शन वाला कोई सीन मिल जाए।
दोस्तों, यह वाला बोटिंग करीब 2 घंटे का था और जैसे कि लाइट बहुत ही कम था, लेकिन मुझसे जितना हो सके मैंने वहाँ पे फोटोग्राफ्स और वीडियो ले लिया, जो कि इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो। उसके बाद हम लोग होटल चले आए और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन लोगों को रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।